लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये रिकरेंट हो सकता है, यानी एक दफ़ा आपने मेडिसिन दी ठीक हो गया और फिर बार बार हो सकता है। और कैनिडल इन्फेक्शन जो है वो यूजली प्रेजेंट करता है कर्टी वाइट डिस्चार्ज के साथ, कि आपको डिस्चार्ज के अंदर फटे हुए दूध की तरह या दही की तरह के जो फुटक्रियाँ हैं वो आने लग जाती हैं, ख़ारिश होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। मैं इस फोरम से आपकी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फवक्तन अपनी मसरूफियत के मुताबिक वीडियोस बनाती रहती हूं और मेरी कोशिश है कि ये जो सिलसिला है ये जारी रहे। तो आज हमने बात ये करनी है कि हमल के दौरान जो लिकोरिया का मसला होता है, यानी एक पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो रहा है, पानी पड़ रहा है, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, कब परेशान होना है, कब परेशान नहीं होना। आप में से जो पेशेंट मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुझे क्लिनिक में विज़िट करना चाहते हैं या मुझे ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जो पेशेंट मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे, नंबर एक्सेसिबल नहीं है, उनके लिए मैं सॉरी करती हूँ, क्योंकि मेरी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है आप लोगों को रिस्पॉन्स करने की, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए माज़रत। आज हमने बात की करनी है कि जो हमल के अंदर जो लिकोरिया होता है उस वो क्यों होता है, क्या वो नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है। एक मेरी बात याद रखिए, जब भी कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो यूट्रस का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जो कार्डियक आउटपुट है, यानी जो दिल से खून निकल रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा रीडायरेक्ट हो जाता है यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी की तरफ। यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो बच्चे की, पलते हुए बच्चे की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है ब्लड ही वो सोर्स है जिसमें तमाम तर हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, वाइटमिन डिज़ोल्व होते हैं, तो ज़्यादा उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है बच्चेदानी की तरफ, ताकि जो बढ़ता हुआ बच्चा है, प्लेसेंटा की डिवेलपमेंट है और यूट्रस जो बढ़ रही है साइज़ में, उससे उसको जो है वो अपनी जो खुराक है वो मिल सके। लेकिन अब जो यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी है, उन्हीं की ब्रांचेस होती हैं वैजिनल आर्टरीज, तो अल्टीमेटली वजाइनल जो ब्लड फ्लो है वो भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर देखा यह गया है कि डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है। अब जो वजाइना जो है वो बड़ा यूनिक किस्म का ऑर्गन होता है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब उसकी जो अंदरूनी सतह है वो ख़ास किस्म की एपिथीलियम से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, यानी उसके अंदर एपिथीलियम में सेल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, पीछे से नई लेयर्स बनती रहती हैं और जो एंड वाली लेयर्स हैं वो शेड ऑफ होती रहती हैं और डिस्चार्ज की फॉर्म में सामने आती हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तब होती है अगर खुदा न खास्ता ये डिस्चार्ज की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा मकदार में आपको आने लग जाए, इसके अंदर स्मेल हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा इचिंग की शिकायत हो रही है इसके अंदर, या इसके अंदर ब्लड मिक्स होके आने लग गया है, तो फिर हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं कि ये खुदा न खास्ता एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। अच्छा, अब किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो एक्सेसिव हो गया है, एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को विज़िट करें, दैट कैन बी एबनॉर्मल। अगर उसके अंदर स्मेल है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन जो प्रेगनेंसी में होता है दैट इज़ कैनिडल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जो कि हल्की फुल्की ट्रीटमेंट के साथ सेटल हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये रिकरेंट हो सकता है, यानी एक दफ़ा आपने मेडिसिन दी ठीक हो गया और फिर बार बार हो सकता है। और कैनिडल इन्फेक्शन जो है वो यूजली प्रेजेंट करता है कर्डी वाइट डिस्चार्ज के साथ, कि आपको डिस्चार्ज के अंदर फटे हुए दूध की तरह या दही की तरह के जो फुटक्रियाँ हैं वो आने लग जाती हैं, ख़ारिश होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील होती है, बर्निंग फील होती है आपको, तो हम उससे समझ जाते हैं कि ये इनको बेसिकली कैंडल का इन्फेक्शन हुआ है, यानी फंगल इन्फेक्शन हुआ है। एक और कंडीशन होती है जो कि मोस्टली प्रेगनेंसी में होती है, उसमें होता ये है
कि जो नॉर्मल विजाइनल फ्लोरा है, जो नॉर्मल विजाइना के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है और जो बैड बैक्टीरियाज हैं, बुरे बैक्टीरियाज हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को बैक्टीरियल विजाइनोसिस कहते हैं, यानी जो विजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया है उनका बैलेंस ओपोजिट हो गया है। जो गुड बैक्टीरियाज हैं दे हैव फॉलन डाउन एंड द बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो ज़्यादा होने लग गए हैं। ये देखा यह गया है कि ये बाज़ुकात वजह बन सकता है वक़्त से पहले दर्दें लगने की और वक़्त से पहले वाटर बैग लीक होने की। इसकी ख़ास किस्म की प्रेजेंटेशन ये होती है कि येलोइश किस्म का डिस्चार्ज आता है और बिल्कुल वाइट होता है और इसमें से फ़िश की तरह की स्मेल आती है। फ़िश, जैसे आप मछली बाज़ार में जाएं और आपको फ़िशी ऑर्डर स्मेल आती है, बिल्कुल ऐसी आपको स्मेल आने लग जाती है, तो ये भी एबनॉर्मल है। अब तीसरी किस्म का जो इन्फेक्शन है वो ब्लड मिक्स डिस्चार्ज है। कई हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा ब्लड मिक्स जो है वो डिस्चार्ज आने लग गया है, तो उस पर हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात जब बच्चेदानी का मुंह ढीला होना शुरू होता है, जब वो बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, तो भी जो सर्वाइकल डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर ब्लड की भी क्वान्टिटी हो सकती है। तो इस वजह से हम पेशेंट को एक टेस्ट होता है सर्वाइकल लेंथ का टेस्ट, वो करवा सकते हैं, उसका पास स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं कि उसकी सर्विक्स की लेंथ ज़्यादा तो नहीं खुल रही, कम तो नहीं हो रही, या सर्विक्स जो है वो डायलेट तो नहीं हो रही, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा डिस्चार्ज जो है वो वाटर बैग लीक होने का है, यानी बाज़ औक़ात पेशेंट का क्या होता है, हाइंड वाटर लीकेज हो गई या वाटर बैग लीक कर गया और उनको पता ही नहीं चलता और वो इस चीज़ को कंफ्यूज करते रहते हैं कि शायद हमें वैसे ही डिस्चार्ज हो रहा है, या मेरे पास कहीं पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हमारा यूरिन निकल जा रहा है, हमारा यूरिन पे कंट्रोल ख़त्म हो गया, और जब हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि वाटर बैग लीक हो गया हुआ है और जो है वो उसके बाद जो है वो हमें ज़ाहिर है कि पूरा एक प्रोसेस करना होता है वाटर बैग लीक होने के बाद। अगर टाइम पूरा हो गया है तो पेन्स लगवानी होती है, अगर टाइम नहीं पूरा हुआ तो एंटीबायोटिक के साथ पेशेंट को मैनेज करना होता है ताकि इन्फेक्शन जो है वो बच्चे तक ना पहुँचे। तो उसको भी डॉक्टर ही ज़ाहिर है डायग्नोज कर सकता है। और उसका ये होता है कि जब आप लेटे हुए रात को सोने के बाद उठते हैं तो एकदम गश ऑफ फ्लूइड आता है, तो अगर आपको विजाइना के अंदर से डिस्चार्ज एक्सेसिव हो रहा है और या उसके अंदर कोई अलार्मिंग सिम्टम जैसा कि मैंने आपको बताए हैं, तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर को विजिट करना है। सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि कैनेडा का ट्रीटमेंट अलग है, बैक्टीरिया वैजिनोसिस का ट्रीटमेंट अलग है, थ्रेटेंड अबॉर्शंस का ट्रीटमेंट अलग है, और अगर लीकिंग की वजह से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो विजाइना के अंदर प्रेगनेंसी में अगर आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, ना उसके अंदर स्मेल है, ना आपको इचिंग है, ना एसिडिटी फील हो रही है, ना आपको ब्लड आ रहा है, और बिल्कुल वो नॉर्मल सी क्वांटिटी का है, तो फिर आप परेशान ना हों, दैट इज़ नॉर्मल। और अगर कहीं पे आप एबनॉर्मल फील करें तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।